सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ना भाई, बहुत खास होने वाला। आज मैं आया हूँ अपने भाई की यानी कि शॉप पर। भाई ने नई शॉप खोली है, ठीक है। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई कितना सैलून पे खर्चा आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। आज इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। भाई से मिलाते हैं, ठीक है। भाई के वैसे सैलून दे सकते हो, ठीक है। भाई ने नया सैलून ओपन किया है, ठीक है। भाई गाइस, बाहर से कुछ डेकोरेशन ऐसी दिखेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। और नीचे भाई ने टैले लगवाई हुई है, ठीक है। और इस साइड में यानी कि ये वाली चेयर लगवा रखी है प्रोफेशनल, जैसे मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास लेकिन दूसरी है, पर लेकिन ये दूसरी है, ठीक है। और आप भाई ये देख सकते हो, दो भाई ने चेयर रखी हुई है। और दूसरी साइड में यानी कि काउंटर है, काउंटर बनवाए थे, क्या किया था, इधर आ जा। अच्छा, बनवाए थे ना, ये कहाँ से बनवाए थे आपने? देखो भाई, ऐसे डेकोरेशन अगर करवाना चाहते भाई कितना खर्चा जाता है, हैं? कितना? 50-60 हज़ार। यानी कि 50-60 हज़ार यानी कि आ जाता खर्चा ना इसके ऊपर। ओके, यानी कि ये वाला शीशे वगैरह अगर कोई डेकोरेशन अच्छी करवाना चाहता होगा, उसके मतलब कि कैसे, मतलब कितना खर्चा जाता होगा वो तो अपने हिसाब से है ना, अपने हिसाब से। भाई ने ये दो शीशे भाई ने पीछे लगवा रखे हैं। और ये वाले पेपर कितने के पड़े हैं? इस ये वाली मेरी ऑडियंस है ना जितनी, और मेरे को यही पूछते रहते हैं कि यार एक कितना खर्चा आएगा डेकोरेशन का। देखो जो ऊपर वाले पेपर लगवाए ना आपने, देखो गाइस, देखो मेरे सैलून पर भी लगे हुए हैं, देखो इस साइड में देखो, है ना। ये कितना खर्चा आया फिर भी? ऊपर भाई ने ना स्टाइलिंग वाले लगवा रखे हैं, आप देख सकते हो यार कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी यार करवाना चाहते हो यार करवा सकते हो, पर लेकिन ज़्यादा इतना खर्चा नहीं आता है, ठीक है। भाई ने कहा है 7 हज़ार यानी कि मेरा खर्चा आया हुआ, आप देख सकते हो। दोनों साइड पे आपने लगवा रखे हैं, जैसे मैंने अपने सैलून पर लगवा रखे ना गैस, ऐसे ही भाई ने लगवा रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और भाई ने आगे वाली साइड पर यानी कि पर्दा वगैरह लगवाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि डेकोरेशन भाई की थोड़ी सी अलग है, है ना यार। कितना मतलब अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में लगाना चाहता हो भाई, कितने का मतलब खर्चा आ जाता है? स्टार्टिंग में जैसे यार अपने हिसाब से होता है। नहीं, फिर भी आपने टोटल मेरे को जैसे बताया था कि कितना मतलब खर्चा आ जाता है ये सब? हाँ, सब जितने 1, 2, 3 ये वाले 3 शीशे आपको कितने के पड़ गए? दूसरे वाले हैं ना? हाँ, दूसरे वाले हैं। कितने का पड़ गया था ये वाला? अच्छा, किसको पता फिर? अच्छा, और इनको ना ऊपर भाई ने ना लाइट लगवा रखी है, जैसे मेरे सैलून पर लाइट लगी हुई है ना, ट्यूब वगैरह लगी है। ये अच्छी होती है वैसे, ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, वाटरप्रूफ होती है, ठीक है। ये आपको कम से कम पड़ जाएगा यार 4500 रुपये का गाइस एक शीशा पड़ जाएगा, अगर पीच वाला लेते हो। देखो जी वाले होते पीच वाले शीशे, ठीक है। देखो यानी कि 4500, 5 हज़ार का, 6 हज़ार का आपको पड़ेगा। यानी कि शीशे अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। MM के हिसाब से होता है, देखो इस साइड में आपको दिखाता हूँ, देखो MM के हिसाब होता है, ठीक है। बाकी जेवल शीशे आपको मिल जाएंगे कम से कम 150-200 रुपये के, यानी कि एक मिल जाएगा अगर आप अपने सैलून पर लगवाना चाहते तो। नहीं तो यार कई बंदे काउंटर के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, सामान काउंटर के ऊपर रखते हैं स्टार्टिंग में। देखो यार अगर कोई भी है ना बंदा स्टार्टिंग में करता, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। बाकी सामान भी पड़ा है यहाँ पर, आप देख सकते हो ऊपर भी सारा कुछ, उस साइड में भी। देखो जो मैं ट्रिमर यूज़ करता हूँ, वो भी भाई ट्रिमर यूज़ करता है, देखो उधर जी भाई के आगे भगवान जी जय हो, ठीक है। बाकी इस साइड में भी भाई लगवा रखी है। आप भी सैलून पर पैसा लगाना चाहते हो तो भाई आप कम से कम 50 हज़ार में बहुत अच्छा आपका सैलून तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे भाई ने लगाया हुआ है, यानी कि कम से कम भाई ने 50 हज़ार लगाया हुआ है सारा। देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, ठीक है। पिछले वाले साइड पर भी देखो जे वाले गोल्डन कलर के लगवा रखे हैं भाई ने, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ऊपर भी देखो इसी के हिसाब से ना डेकोरेशन भाई ने की, देखो पर्दा ऊपर भी वो भी लगाया हुआ है, वाल पेपर भी उसके हिसाब से लगाया, देखो कितनी अच्छी लग रही है दुकान, है ना। देखो अगर कोई ग्यासपुरे साइड में देख रहा, लुधियाना साइड में देख रहा, भाई के पास जरूर आना, ये भाई आपको मिलेगा, ठीक है। हेयर कट करवाना भाई से, कितना हेयर कट का कितना लेते हो? 50। इधर आ जा थोड़ा। अच्छा, भाई लेता है 50 रुपये हेयर कट का। कौन कौन सा जन की हेयर कट होगा भाई, कौन कौन सा हेयर कट करते हो? कोई भी? अच्छा, स्क्रब वगैरह रिबॉन्डिंग वगैरह करते हो? अच्छा, नहीं करते। ओके, ए भाई ने ना रूम बनाया हुआ उधर, खाना पीना यानी कि खाना सोना रेस्ट वगैरह करना, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ने चेयर दूसरी रखी हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। सोफ़ा सेट भी आ जाएगा किस दिन, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ने टाइल भी लगवा रखी है, पर लेकिन मेरे सैलून में टाइल नहीं है यार, है ना। अच्छा ये तो बता कि नहीं, ये वाली कुर्सी आपको कितने की पड़ेगी? कितने की? तुम भी इधर आ जाओ। अच्छा 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 11 हज़ार की यानी कि ये वाली एक पड़ेगी ना कुर्सी, ठीक है। दोनों कितने की पड़ेंगे? अच्छा 22 हज़ार की गाय, 22 हज़ार की चेयर पड़ी है दो,
आप हिसाब लगा लो कम से कम 50,000 से भी ऊपर बजट जा रहा है। ठीक है, रखने वाला ये कितने का मिल जाएगा आपको? है 1200 का। कितने का? 1100-1200 रुपये का पड़ा था। क्या बात है भाई, हैवी है, थोड़ा सा हैवी लग रहा है। हाँ भाई हैवी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार भाई। ठीक है, थोड़ा सा हैवी है गाइस। ठीक है, जेबल जो होती है ना, जो चेयर होती है, जेबल ही होती है पंप वाली, जैसे मेरे पास है ना, वो सेम चीज़ है, पंप वाली है भी। और इस साइड में भाई ने वही रखा हुआ है, पैर रखने वाला, ये रखना चाहिए यार, नहीं तो ना जेबल चाहिए होती है। अगर हम लोग पेपर लगवाएंगे, जैसे वो पेपर लगवाया हुआ है ना, वहाँ पर मैंने पेपर लगवाया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर पैर रख लेते हैं। ठीक है, वो गलत काम है, पर लेकिन ये रखवानी चाहिए हमारे को। ठीक है, बाकी काउंटर आप दे सकते हो। ठीक है, काउंटर आप ऐसा भी बनवा सकते हो। ये भाई ने दराज, इसमें सारा कुछ यानी कि, और नीचे भी ठीक है सामान वगैरह रख सकते हैं। और आप दे सकते हो यानी कि त्रिकोण बनाया हुआ है, यानी कि एल बनाई हुई है भाई ने, भाई बहुत अच्छा है। अरे जाते सलून का सामान अभी कम रखा हुआ है ना आपने? अच्छा, कितने महीने हुए अभी खोले को? हुए ना अभी? अच्छा, 2-3 हफ्ते हुए हैं। अगर कोई ग्यासपुरा साइड में कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, इस भाई के पास जरूर ना, मंडी के पास साइड में, बैक साइड में भाई का नया सैलून खोला हुआ। ठीक है भाई, आपको मैं थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ। बाहर से भाई कुछ भाई का ऐसे दिखेगा, ठीक है, और अंदर से सैलून की डेकोरेशन आप देख सकते हो थोड़ी सी अलग ही है भाई ने करवाई, पर लेकिन यहाँ पर किसी की ऐसी है नहीं जैसे भाई ने करवाई हुई है, देखो। ठीक है, बहुत अच्छी है यार। अगर आप भी स्टार्टिंग में सैलून खोलना चाहते हो, ठीक है, धीरे से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तुरंत लगाओगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दुकान कभी कभी चलती है या नहीं चलती है, बाद में फिर कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ करो यार, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी यार, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।